एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जेल रोड स्थित बाल शिशु गृह के बच्चों में मिठाई बांटकर दीपावली मनाई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि दीपावली के अवसर पर निर्देशित किया गया था कि बच्चों के साथ दीपावली मनाएं, जिसको देखते हुए एशियन सहयोगी संस्था द्वारा बच्चों को पाला जाता है या बच्चे वह लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको रेलवे स्टेशन पर उनके गार्जियन द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों को लाकर संस्था द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस संस्थान द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है जो कि बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हैप्पी दीपावली। अनुराधा, क्या नाम आपका? हैप्पी दीपावली। अमन आपका गणेश कृष्णा नाम का ही फर्क पड़ता है। माय नेम इज कृष्णा टू, मेरा नाम कृष्णा है। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में? कहाँ पे है ये? क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। क्या नाम है आपका? अनुज। आपका? लाडली। अभय बोलो। नवंबर आ रहा है, इनका ध्यान रखने के लिए मतलब तो ये मतलब कहीं हॉस्पिटल में या कहीं जिसमें नहीं बच्चा नहीं रहता है, इसके पांव का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो अब घूमने चलने लगी है ना। अच्छा, इसलिए जी। जैसे तो पानी के अंदर है, पेड़ के ऊपर है या गला काट के फेंका गया है? अच्छा, इस तरीके ऐसे में कोई कायदे का मतलब जगह पर नहीं। अबे
दिवाली के आज दीपावली के शुभ अवसर पर प्रशासन द्वारा आज जो निर्देशित किया गया था उसके साथ साथ एशियन सहयोगी संस्था जो गोरखपुर में है बच्चों के एडॉप्शन एजेंसी के लिए बच्चों को यहाँ पे पालते पोसते भी हैं। ये वो लोग हैं जो जिनका कोई सहारा नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनको रेलवे स्टेशनों पर उनके पेरेंट्स द्वारा छोड़ दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। उनको इतने अच्छे वातावरण में एशियन सहयोगी संस्था इनको रख रही है। दीपावली के अवसर पर मुझे इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला एवं संस्था जो चला रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत की और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि समाज सेवा करने वाले इस प्रकार के लोग समाज को प्रतिदिन एक नई दिशा में अग्रसर कर रहे हैं और इन बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं।